मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, चैप्टर 21, चैप्टर नेम अज्ञातवास, बुक नेम बाल महाभारत कथा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सब अपना अपना वेश बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रहनला के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के साथ नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रणवास में सैरंद्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेक्षणा का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल को लेकर के साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे, मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे, उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था, इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना वैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने आए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई। गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंग युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता ना करे, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं।
मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को भी अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। ठीक है। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर को पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और उधर राजा की बाट चोह रहे थे। तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने ब्रहनला से कहा, ब्रहनला मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर ब्रहनला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना ही कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठा कर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही हैं। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के वेश में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। तो यहीं पर चैप्टर क्लियर हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।